ओ गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो भाई मैं तो सुबह सुबह रेडी हो गया। बज रहे सुबह के 4:30 और हम जा रहे हैं अभी भाई पटियाला, मेरे ससुराल। और मम्मी पापा दोनों उठ गए मेरे को छोड़ने के लिए। यानी कि चलो भाई, ये लोग कभी नहीं खा हो, मैं निकल रहा हूँ। एक्चुअली ओला कैब ही बुक नहीं हो रहा है कब से। मतलब चलो नीचे जाके ढूंढता हूँ, देखता हूँ यार। हो गया है। नहीं सो जाओ, चलो मैं देखता हूँ नीचे, बाहर जाके आप किधर आओगे भी। भाई अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी अपनी, देखो इनको भी उठा दिया सुबह सुबह, परेशान हो गए। मैं निकल रहा हूँ अभी, चलो बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। जा रहा हूँ भैया नीचे यार, अपना फ्लाइट मिल रहा नहीं है अभी। फ्लाइट बोल रहा, सॉरी कैब ही बुक नहीं हो रहा, तो कब से ट्राई कर रहा हूँ, 15-20 मिनट से नहीं मिला। नीचे जाके देखता हूँ मैं, आप लोग मन नीचे हो तो सो जाओ, नीचे जाके रोड पे देखता हूँ कोई मिलता क्या। ओला उबर यार कोई नहीं पिक कर रहा यार, क्या हो गया? सुबह सुबह ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई ड्राइवर आने के लिए रेडी नहीं है। तो मैं चलो भाई नीचे रोड पे जाके ढूंढता हूँ, किसी को पूछता हूँ कि कोई चल देगा कि नहीं, तो भाई लेट हो जाएगा। अपना नसीब ही ऐसा, जब भी फ्लाइट पकड़ने जाते तो कभी ऐसा नहीं होता कि ईमानदारी में अपना फ्लाइट ले ले अपन, कुछ ना कुछ पंगा हो ही जाता है। तो चलो बने रही, आपको मिलता है थोड़ी देर में कैब बुक करने वाला। तो भाई दोस्तों फाइनली मिल गए अपने को ओला, कब से वेट कर रहे थे भैया, अभी आ गए। तो हम लोग जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं भैया अपने को। 15-20 मिनट फाइनली वेट करने बाद अपनी कार आ गई भाई, बस अभी आधे घंटे में पहुंच जाएगी ना। 1 घंटा लगेगा? ओ तेरी, 1 घंटा लगेगा, मतलब 6:30। चलो आधा, मतलब आधा पौना घंटा बचेगा मेरे पास चेकिंग वेकिंग करने के लिए। चलो कोई नहीं, उतना जल्द ठीक है। अभी सुबह सुबह 1 घंटा लग रहा है, तो ये दिन का टाइम होता तो 2-2.5 घंटे कहीं नहीं थे। इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट बुक करता था कि अपना सुबह सुबह ट्रैफिक होता नहीं, और 40 मिनट 1 घंटे में मतलब पहुंच जाते एयरपोर्ट मेरे घर से। मैं तो 2.5 घंटा, तो 2 से 2.5 घंटा तो लगना ही लगना है, अगर आप दोपहर में यार ले अपना रात में निकलोगे तो। कोई नहीं अभी निकलते एयरपोर्ट, मिलते आप लोगों डायरेक्ट एयरपोर्ट पे, थोड़ा रास्ते घुमाते घुमाते बने रहिए। भाई दोस्तों फाइनली पहुंच गए भाई एयरपोर्ट, जा रहे आप सी पटियाला। मजा आ रहा है काफी, और एयरपोर्ट देखो कितना अच्छा सजा है यार, पूरा एकदम दिवाली के उसमें था, तो मतलब एकदम मजा आ गया एकदम एयरपोर्ट। आप लोगों को भी दिखा दो। तो ये भाई देखो, पहले अपनी शुरुआत करते इधर फ्लैग से भाई, उसके बाद ये देखो एयरपोर्ट कितना मस्त लग रहा है, और ये देखो पूरा एकदम मजा आ गया, काफी अच्छा लग रहा है एयरपोर्ट एकदम मस्त, दिवाली का फील आ रहा है पूरा एकदम, लाइटिंग वाइटिंग सजाया हुआ है। चलो अभी चलते अंदर चेकिंग करते, फिर मिलते आप लोगों से। काफी भीड़ है भाई पूरा एकदम, लाइन काफी ज्यादा लगी हुई है एकदम। तो भाई दोस्तों फाइनली अपना हो गया भाई, टिकट के बोर्डिंग पास मिल गया। तो अभी जा रहे भाई अभी सिक्योरिटी चेकिंग करने, एक बार सिक्योरिटी चेकिंग वेकिंग करके हो जाता है पूरा, तो फिर मिलते आप लोगों से, बने रहिए थोड़ी देर में मिलते। तो भाई दोस्तों फाइनली हो गए भाई चेकिंग वेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग एकदम मस्त, सब फर्स्ट क्लास। अभी आ गए अपन एकदम मस्त एयरपोर्ट के एकदम अंदर चेकिंग वेकिंग करके। तो बस अभी जा रहे लॉन्च ढूंढ रहे, क्योंकि अभी अपनी फ्लाइट है भाई, टाइम है 1 घंटा है। तो जाते लाउंज वाउंज में बैठते, बस थोड़ा नाश्ता वाश्ता करते, फिर निकलते, आप लोग भी बने रहिए। बस अभी चलते जरा एयरपोर्ट लाउंज घूमते, और फिर मिलते आप लोगों को, तो बने रहिए और इन्जॉय करेंगे। तो भाई दोस्तों अभी जा रहे थे हम लोग लाउंज में, तो यहाँ पर 2 लाउंज, अडानी लाउंज और लॉयल्टी लाउंज, तो लॉयल्टी लाउंज तो बंद है,
तो अभी हम लोग जा रहे हैं अडानी लाउंज में, यहाँ पर देखते कार्ड कौन कौन से कार्ड चलते हैं अपने पास, सब कार्ड है तो अभी बने रहिए, जाके एक बार लाउंज में एंट्री करते फिर मिलते हैं आप लोग। तो दोस्तों अपनी एंट्री हो गई फिर लाउंज में, ये ऐसा कुछ लाउंज है, ये लॉयल्टी लाउंज है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ये देखिए ऐसा ये सब आइटम है इधर आज। मेहंदी में सब कुछ है, इतना बड़ा लाउंज है ये, और अपना नाश्ता ये रहा भाई खाने के लिए। तो भाई दोस्तों ब्रेकफास्ट करते हैं यार, बहुत भूख लग रही है, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक बार ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो बने रहिए कहीं जाइएगा मत, मिलते थोड़ी देर में ब्रेक के बाद, ब्रेकफास्ट के ब्रेक के बाद। तो भाई दोस्तों हो गया अपना खाना वीना खा के, मतलब ब्रेकफास्ट करके मस्त एकदम। ये किसका गिरा यार, किसी का तो बोर्डिंग पास गिर गया, इधर रख दे रहा हूँ, ढूंढते हुए आएगा मेरा, चेक कर ले तो मेरा है ना। हाँ मेरा है, तो मैं बोल रहा था भाई नाश्ता वाश्ता कर लिया एकदम मस्त, काफ़ी कुछ था लाउंज में, अच्छा जूस वूस फ्रूट्स फ्रूट इडली डोसा पोहा उपमा उपमा मस्त सब मस्त था। तो वो बस अभी जा रहे हैं जरा अपने गेट की तरफ, लाइट लाइट पकड़ते फिर मिलते आप लोगों से। वैसे काफ़ी मज़ा आ गया नाश्ता करते, लेकिन वैसे सुबह सुबह इतना जाता नहीं है, ठीक है। वो सुबह सुबह का व्यू देखो भाई क्या मस्त मज़ा आ रहा है, ये देखिए भाई सुबह सुबह का नज़ारा। हाँ इधर वीडियो बनाने चक्कर में भी फ्लाइट बंद हो जाती, बोलो लास्ट कॉल चिल्ला रहे थे, मैं पता ही नहीं, मेरी वाइफ ने कॉल किया, उन्होंने कहा कॉल आ रहा है जल्दी भाग के जा, मैं यहाँ वीडियो बनाने में बिजी हूँ। फटाफट आया उसने, बोला सर कब से वेट कर बुला रहे, आया थक गया यार भाग भाग के, मैं उधर वीडियो बना रहा हूँ मस्त आराम से। फाइनली एंट्री हो गई अपनी, इसके साथ ये जा रहे अपना एंट्री ले रहे, लाइन लगी हुई है, तो नाटक करते बहुत। लाइन लगी हुई इधर एंट्री के लिए, दोस्तों पहुंच गए एयरपोर्ट, बस अभी सामान ही मान लेते अपना और बाहर निकलते भाई। तो यहाँ का टेम्परेचर भाई कुछ 15 डिग्री सेल्सियस, वो ठंडा मौसम है काफ़ी, मुंबई में तो गर्म था, यहाँ पर मौसम अच्छा है 15 डिग्री। तो बस थोड़ा सामान ही मान लेते फिर निकलते, ज़रा बस फीस का भी देखना है अपने को, फिर मिलते आप लोगों को थोड़ी देर बने रही। वेट कर रहे हैं अभी अपने सामान का, ये देख लेते अपना ही तो नहीं है, नहीं तो सामान देखो कितने टाइम में आएगा भाई, लगे जाने में भी बहुत लेट हो जाता है, जैसे सामान आता है वैसे ही बढ़ते आगे और निकलते आगे की तरफ, सामान ले लेते पहले। तो
भाई कितने भीड़ है एयरपोर्ट पे सुबह सुबह की फ्लाइट के लिए भी भाई। तो भाई दोस्तों आ गया अपने भाई लगेज, ये देखो पूरे 20 से 25 मिनट बाद आया। एक ये भी पंगा होता था, एक तो आओ जल्दी जल्दी फटाफट भाई में रहते कि फटाफट अपना निकलेंगे, लेकिन आधा घंटा ये लगे जाने में लग जाता है, क्या ही करें। तो कोई नहीं, अभी आ गया भाई, निकलते अभी जाते ज़रा बस बस देखते पता करते फिर मिलते आप लोगों से, बने रहिए। तो भाई दोस्तों एकदम हो गया अभी फ्रेश मस्त, अभी थोड़ा रिलैक्स और अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक बार जब आप फ्रेश हो जाते हो ना उसके बाद मज़ा आता है, नहीं तो फिर ऐसे अजीब सा लगता है। तो अभी फ्रेश हो गया अपन, एकदम रिलैक्स लग रहा है, अभी जा रहे बस का पता करने। इधर एक भाई साहब ने बोला बस इधर किधर मिलेगी, तो अभी जा रहे जरा बस लेते फिर मिलते आप लोग, तो बने रहिए थोड़ी देर में और इन्जॉय करते रहिए। हेलो गुलू, व्हाट आर यू डूइंग गुलू, हाउ मच पैक डाउन, इतना तुम्हें से तंग आ गया तू सुसाइड कर रहा है। कहीं मैं रोपी चेयर गाइस, कल की करना है फिर, कल का क्या प्लान है? तो भाई दोस्तों गुड मॉर्निंग एवरीवन यार, तो आपको ये पीछे का व्यू देख के समझ में आ गया रहेगा भाई मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गया भाई। हाँ भाई मैं आ गया मेरे ससुराल में पटियाला पैग वहाँ छड्डी था। तो भाई दोस्तों एक्चुअली कल जब हम पहुँचे तो काफ़ी थक गए थे, फिर सो गए, फिर उसके बाद जो आज फंक्शन था जिसके लिए हम आए, तो उसके फिर थोड़ा सामान वामान लेने जाना, थोड़ा शॉपिंग में थोड़ा बिजी हो गए, तो इसकी वजह से फिर बाद में थोड़ा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अभी उठे मैंने सोचा फिर आप लोगों को बताया जाए भाई आज का क्या सीन है, क्या प्लान है। तो लेकिन मैं सोचा था जो एयरपोर्ट से लेकर पूरा अभी तक इधर तक का जो था ये इसको इधर ही ख़त्म करते है ना, वो बस मैंने सोचा अभी रात को एंड नहीं कर पाया था, तो इसलिए मैं सोचा आप लोगों से मिल बात कर लूँ, जरा बताओ भाई कहाँ पहुँच गए, क्या सीन है। तो बाद में जो अभी इसके बाद हम जब रेडी वेडी होके फ्रेश होके निकलेंगे और कहीं अभी जा रहे जरा मार्केट कर घूमने में, आप लोगों को घुमाने दिखाने पटियाला शहर फिर से एक और बार की गलियों में गेड़ी मारने और नज़ारे दिलाने। तो इसलिए मैं सोचा इस ब्लॉग को यहीं करते ख़त्म, फिर जो दूसरा पार्ट अभी आएगा पटियाला सीरीज भाई, थोड़े दिन अभी हम हैं पटियाला में तो पटियाला के नज़ारे दिलाएगा आप लोगों को, तो इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते भाई, फिर थोड़ी सी देर में ब्रेक के बाद वापस कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को जब हम घूमने निकलेंगे, फिर मिलते आप लोगों से थोड़ी देर, तो बने रहिए। और बैक कैमरे से आपको ये व्यू दिखाता हूँ, वो व्यू इंजॉय करते रहिए। और भाई मौसम जो मस्त है, मतलब भाई 12-15 डिग्री टेम्परेचर भाई, सोचो कहाँ मुंबई में इतनी गर्मी में और यहाँ डायरेक्ट आते साथ सीधा भाई 15 डिग्री टेम्परेचर हो गया। धूप निकली अभी हल्की हल्की, सुबह तो पूरा फॉग हुआ था एकदम धूप नहीं थी, लेकिन अभी मौसम अच्छा है, थोड़ा धूप भी और हवा चल रही है अच्छी ठंडी ठंडी, मज़ा आ रहा है। तो दिखा तो आपको बैक कैमरे से व्यू, आप लोग इंजॉय कीजिए, मिलते थोड़ी सी देर नेक्स्ट पार्ट में।